25 आएगी, आएगी जैसे चली जाएगी, ये पद्मावत को नहीं आ पाएगी। समाज की तरफ से, पूरे देश के क्षत्रियों की तरफ से मैं सरेआम ये घोषणा करता हूं और जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर उन्होंने ये फिल्म वापस नहीं ली, संजय लीला भंसाली जी, जो भी कोई युवक या कोई क्षत्रिय समाज का कोई लड़का उनकी जो गर्दन काट के लेके आएगा, क्षत्रिय समाज उनकी गर्दन काटने वाले युवक को 5 करोड़ रुपए का इनाम देगा। एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उसने कल बोला है कि फिल्म तो चल के रहेगी, क्षत्रिय कभी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता, पर अगर पद्मावती के नाम पे ये लोग भड़काने का काम बंद नहीं करेंगे तो दीपिका जी आप भी सुरक्षित रहिएगा। राजपूत क्षत्रिय है, हाथ नहीं उठाएंगे, पर सुरपंखा की तरह नाक काटना अभी छोड़ा नहीं है क्षत्रिय ने। ये भंसाली जैसे जो लातों के भूत हैं, बातों से तो नहीं मानते थे पर अब तो ये लातों से भी तो नहीं मानते। जो कोई भी रिलीज डेट है आज आपके मार्फत से सभी उन युवाओं को अपील करूंगा कि जनता कर्फ्यू फिल्म हॉल पर जरूर लगा दें। जिस किसी दिन भी ये फिल्म आने वाली हो उस फिल्म हॉल में फिर वहां पर कर्फ्यू सी की स्थिति है।
मारेंगे, हम नहीं चलने देंगे। तय करना होगा फिर माहौल वालों को, कि मैं आज बापू की धरती पर ही हूं, आज अहिंसा की धरती पर ही हूं, और मैं 25 आएगी जैसे चली जाएगी ये पद्मावत तो नहीं आ पाएगी।